हेलो फ्रेंड्स, मैं माँ भगवती सिलाई केंद्र से सुनीता सिंह। आज हम बचे हुए कपड़े से टेबल कवर बनाएंगे, आइए बनाते हैं। इस टेबल का कवर बनाऊंगी। ये देखिए, ये कपड़ा है हमारे पास। ये देखिए, हमने इसका मेजरमेंट इस तरह से किया है। ये देखिए इतना, ये लगभग 4-4 इंच हमारा लटका हुआ है चारों तरफ, और बीच में हमारा ये सेंटर में, ये देखिए। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम यहाँ पे डिजाइन के लिए पट्टी लगाएंगे, ये मरून कलर की। ये देखिए, ये पट्टी को मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। ये देखिए, हम इस पट्टी को यहाँ लगाएंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे करके यहाँ कोने बनाएंगे हम इसके, ऐसे करके हम इसके चारों कोने पे ये पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले है पेन से इसके कॉर्नर पे आनी है ये पट्टी, यहाँ पे ये हम यहाँ निशान लगा रहे हैं। चारों तरफ हमें इसके निशान लगा लेना है। पेन से लगा ले, आप चौक से लगा ले, जैसे भी चाहे। ये देखिए, ये निशान के लिए हमारे यहाँ कॉर्नर पे आएगा वो डिजाइन। एक डिजाइन हमें बीच में बनाना है इसके सेंटर में। ये देखिए, इसको हम इंची टेप से नाप लेते हैं। ये देखिए कितना है, इसकी चौड़ाई हमारी 14 इंच के लगभग है। तो हम इसको यहाँ से इस साइड से लेंगे, इधर से हमारा 18 है। ये देखिए, इधर से हमारा 18 है। तो हम बीच में जो डिजाइन बनाएंगे, छोटा सा डिजाइन बनाएंगे हम इसके सेंटर में। ये देखिए, इस तरह से करके यहाँ से हम छोड़ देंगे, यहाँ से हम 5 इंच छोड़ देंगे और 5 इंच इधर छोड़ देंगे। ये हमने 5-5 इंच छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लेंगे, ये हमारा 12 इंच है, तो हम लगभग यहाँ 4 इंच छोड़ेंगे। 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 4 इंच पे हम इधर से लगाएंगे। इसके बीच में हमें ये डिजाइन बनाना है, इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से करके ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करके हम ये निशान लगा लेंगे। ये हमने जितना इधर छोड़ा, ये देखिए, ये हमारा इधर 4 इंच है, 5.5 इंच है ये जो हमने इधर से छोड़ा, तो इधर भी हम 5 इंच छोड़ेंगे। ये देखिए, 5 इंच हमने छोड़ दिए, यहाँ पे निशान लग गया हमारा। अब इसको हम इसमें मिला लेंगे, यहाँ से इधर हमने 4 इंच छोड़ा है, यहाँ से चौड़ाई में हमने 4 इंच छोड़ा है, तो 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से करके हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी बीच में भी पट्टी लगा के डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा कुछ ये मेजरमेंट आया है, इस पर अब हम पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, और साइड में हम इसके लेस लगाएंगे चारों साइड। ये देखिए, मेरे पास ये मैरून कलर की लेस है, ये हम साइड में लगाएंगे नीचे लटकन में। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी जो हमने बना रखी है, इस लाइन पे रख लेंगे हम जो हमने निशान लगाया है, और हम इस तरह से करके सिलाई लगाएंगे। पट्टी के हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इससे ये सेट हो जाए अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से करेंगे हम, ये पकड़ लेंगे हम यहाँ से और यहाँ रखेंगे हम इस तरह से, और सिलाई लगाएंगे हम। बचे हुए कपड़े से बहुत ही खूबसूरत डोरमेट बन, टेबल मेट बन के तैयार होएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे कोने पे आएंगे तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ को मशीन हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रखेंगे मशीन को, ये कर लिया हमने इस तरह से। और ये देखिए, कोना इसका कैसे बनाएंगे हम। कोना बनाने के लिए हम, ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ से उठाया हमने, यहाँ रखा, और ये देखिए हमारा कोना बन गया। तो हम इस तरह से करके लेंगे, ये देखिए हमारा कोना कितना अच्छा बना, इस तरह से ही करके हमें ये चारों कोनों पे लगा देनी है पट्टी चारों तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चारों तरफ पट्टी के किनारे बना लिए और हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें बीच में भी इसी तरह से पट्टी अटैच करनी है। ये देखिए, ये पट्टी हम इस तरह से रखेंगे बीच में, ये देखिए, ये पट्टी हम यहाँ इस तरह से रखेंगे। और ये देखिए, इसके लिए हमने लुपियाँ तैयार की हैं, ये देखिए, ये हमने इस तरह से तैयार की हैं। ये हमारी 2-2 इंच चौड़ाई है, 2 इंच लेंथ है इसकी, और इस तरह से करके हमने बनाया इसको, इस तरह से देखिए तिकोना करके, इस तरह से करके हम ये लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ रखेंगे हम इसको ऐसे, हमारा बराबर रहना चाहिए, इतना ही हमारा इधर छूटेगा और इतना ही इधर छूटेगा हमारा। ये देखिए, हमने इधर 3 लुपियाँ लगानी है इस तरह से करके।
ये देखिए आप इस तरह से बना लें, ऐसे बना के आप यहाँ पे सिलाई लगा लें पहले, तो आप आसानी से लगा पाएंगे। समझ आ रहा है आपको? ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से करके यहाँ से हम इस तरह से ही कोना बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ भी हम ऐसे सिलाई चलाएंगे, और यहाँ पे हम एक लूप भी रखेंगे बीच में। ये देखिए यहाँ पर हम एक रखेंगे इस तरह से करके, ये देखिए ये हमारे सेंटर में, इधर हम एक रखेंगे और इधर हम तीन रखेंगे और एक इधर रखेंगे। तो अब हम आइए बना देंगे फ्रेंड्स, यहाँ रखेंगे हम इसको ऐसे पट्टी को, और हल्का सा हम सिलाई चलाएंगे पहले। ये देखिए हल्की सी हम सिलाई चलाएंगे, फिर हम ये दबाएंगे इसके अंदर। ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके हमें ये रखनी है यहाँ पर। ये देखिए इसको हम थोड़ा और खिसकाएंगे अंदर की साइड, यहाँ से ऐसे इस तरह से करके बनाएंगे हम। ये देखिए ये हमारा इस तरह से आएगा। तो दूसरी लुपी भी हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ रखेंगे हम ऐसे रख लेंगे, और इस तरह से करके हम इसके सिलाई चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई चलानी है हमें। दूसरा भाग भी हम इस तरह से ही लेंगे। ये देखिए ये रखेंगे एक इसके ऊपर, हमें इस साइड में तीन लगानी है और तीन हमें दूसरी साइड में लगानी है। इसको हम एक के ऊपर एक चढ़ा के रखते हैं इस तरह से करके। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा हमारा। अब हम यहाँ से सीधी सिलाई चलाएंगे, ये हमारा दबना चाहिए, ये ध्यान रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी हमारी दबनी चाहिए अंदर। फ्रेंड्स, अब हमने ये लैस इस तरफ से लगाई, अब हम इसको ऐसे पलटेंगे सीधी तरफ से, और ऊपर से हम इसके सिलाई दबाएंगे इस तरह से, कॉर्नर पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये टेबल कवर बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका